अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज जो है यार फ्राइडे और आप सबको जुम्मा मुबारक। और अभी मैंने चेंज कर लिया, स्कूल से मैं आ गया था और बस अभी सर भी लेट ही आएंगे थोड़ा, तो मैंने कहा चलो अभी नमाज़ पढ़ने हम थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। और बाकी यार आज मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट हुआ है, बड़ा अच्छा फिट सा मैंने टेस्ट दिया मैथ का स्कूल में, और टीचर ने बोर्ड टेस्ट लिया मेरे से और मैं बड़ा फिट सा टेस्ट दे के आया हूँ टीचर को। लेकिन यार होमवर्क भी दबा के टीचर्स काम दे देते। और गाइस ऐसा लगता है कि टीचर्स भी ना वीकेंड के वेट में ही होती हैं, जैसे वीकेंड आता नहीं है टीचर फुल चैप्टर टेस्ट में दे देती हैं यार। और अभी सर आएंगे थोड़ी देर में, सर ने भी अपना टेस्ट दे देने हैं। बाकी मम्मा अपने टेस्ट में उलझ के रह गए हैं। और बाकी यार स्पोर्ट्स को भी टाइम देना मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट हमने खेलनी थी, क्रिकेट का भी सोचते हैं कि आज खेलते हैं, रोज़ टाइम बनाने की कोशिश करते हैं कि आज खेलते हैं, पर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो अभी जो है फिलहाल नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज के लिए ना हम लेट हों तो नमाज पढ़ने चलते हैं। A few inches later. तो गाइज़ अभी मैं जुमा पढ़ के घर आ चुका हूँ। और गाइज़ मुझे पराठा बहुत अच्छा बनाना आता है, तो सीखा तो मैंने बहुत पहले का है, तो मैं बनाता रहता हूँ नॉर्मल रूटीन में। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को भी बनाकर दिखाता हूँ पराठा। और तो गाइज़ देर किस चीज़ की है यार, फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं पराठा। और आप कर दो वीडियो को लाइक। तो गाइज़ हम लोग जो है यार अपने किचन में आ चुके हैं, ठीक है। और अभी चीज़ें वगैरह मैंने रख दी थी, तो ये आटा है, ये 7 पेड़े हुए हैं अभी, ये ठीक है हो गया। तो अभी हम अपने भी मैं खुद पेड़े करके दिखाता हूँ, जिस तरह मैं पेड़ा करता हूँ तो आपके सामने भी मैं भी पेड़ा करूँगा। तो ये नॉर्मली अभी इस तरह से मम्मा ने बनाया हुआ है, ठीक है। और अभी हम बनाना शुरू करते हैं रोटियाँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा खुशका डाल देते हैं, ठीक है ये। और अब हम बनाना शुरू करते हैं रोटियाँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस हम लोग यार बनाएंगे बल्लों वाला पराठा, ठीक है। तो उसके लिए हमने इतना पराठा कर लेना होता है, थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। और अभी हम इसमें लगाएंगे यार ये देसी घी, हम थोड़ा सा तो टेबल 3 स्पून हम डालते हैं। इसमें पहले हम सारा ये देसी घी लगा देते हैं। तो गाइस हमने इसमें अभी घी लगा दिया, ठीक है। और अभी हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं खुशका। और अब हम इस और इसको स्पून की हेल्प से हम इसको लगाएंगे कट इस तरह से, ये और कट लगा लेते हैं। और यहाँ से हम इससे जो है ना यार पराठे के बल बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो अभी आपको बना कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको हाथ रख ले बंदा, और ये देखिए चेक करें जी।
और अभी जो है अब हमारा थोड़ा पेड़ा हो चुका है तैयार, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम अभी करते हैं साइड पे, और अब हम इसमें लगाएंगे खुशका और इसको बेलते हैं और जल्दी से बनाते हैं। तो गाइस हमने इसको ऑलमोस्ट बेल ही लिया यार, ठीक है। और अभी हम लोग चलाते हैं चूल्हा और चूल्हे पे रखते हैं इसको, तवा भी रख देते हैं यार गर्म होने। और पराठा जो है हमने अपना बेल ही लिया है, तो ये भी बस थोड़ा गर्म हो जाए, फिर उसके बाद रोटी रखते हैं हम इसके। तो गाइस ये जो है यार गर्म इतना हो चुका है, इस पर रोटी हम डाल सकते हैं अभी। और इसमें बाकी यार मैं जब तवे पे डालता हूँ तो खुद ज़रा इस तरह से शेप देता हूँ, और अब ज़रा ये हो गया थोड़ा, और अब इसकी साइड बदलते हैं हम। अभी ये बनेगा तो यार आपको ज़रा प्रॉपर बाल इसके नज़र आएंगे, बाकी ये भी थोड़े थोड़े हैं साइड पे, ये साइड पे जैसे ये बाल है। तो यार ये अभी कलर आ चुका है इस पर अच्छा, और अभी आप लोग देखो कि कैसा मज़े का पराठा बन रहा है। गाइस यार पराठा जो है हमारा तैयार हो चुका है, और प्लेट में ले आया था, और इसको भी हम डालते हैं प्लेट में। ये चेक करो यार, ये पराठा मैंने बना दिया, ये आप लोग चेक करो यार, इसके बल चेक करो, ये बाकी अभी बाहर लेके जाते हैं और चेक कराते हैं घर में भी, मम्मा को भी दिखाता हूँ। और देसी घी जो है यार हम स्वीट पैलेस का यूज़ करते हैं, और इनका बहुत अच्छा देसी घी होता है, तो हम यही यूज़ करते होते हैं देसी घी। और अभी जो है बाहर लेकर चलते हैं यार, ठीक है, और बाहर ले जाके चेक कराते हैं, सबको टेस्ट कराते हैं कि कैसा लगा सबको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करो। तो हम जल्दी से अपने मज़े किरदार सा पराठा लेके जाते हैं बाहर और चेक कराते हैं। तो गाइज़ मैंने अपना पराठा बना दिया यार, ये देख सकते हैं आप अभी, और बल तो आप चेक कर ही रहे हैं। और अभी मैं मम्मा से अभी पूछते हैं, मम्मा को चेक कराते हैं अपना पराठा, तो मैंने कहा ज़रा मम्मा को टेस्ट कराया जाए, तो उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा पराठा, उनको टेस्ट करके बताएं कि मैंने कैसा पराठा बनाया है, और देखने से भी कैसा लग रहा है। माशाल्लाह मौज़ूम हमेशा की तरह आपने आज भी बहुत ज़बरदस्त लेयर्स बनाई हैं उसकी, और वह बहुत सॉफ्ट है। आके देखिए खा के कैसे है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है। चलो जी, तो यार अभी जो है मैं भी खाना खाता हूँ, और खाना खा लें तो खाने के बाद मिलते हैं आपको। 2000 years later. गाड़ी किधर खड़ी की हुई है दरवाजे के साथ में? वाह जी वाह, धोई है गाड़ी, गाड़ी वॉश की है। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, साफ सुथरी कर दी है। मैट भी डाल देना। तो गाइस अभी जो है यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ असर की, और वापसी में यार क्रिकेट खेलें अभी वैसे मोइस, बॉल पड़ी हुई है हमारे पास, मैंने यहाँ रखी थी कहीं यार,
कहीं साइड पे थी, यहाँ पता नहीं, यहाँ कहीं रखी थी। खैर एक बॉल भी साथ में अभी ले आएंगे, बॉल भी नमाज़ पढ़ के वापसी में ना बॉल भी ले आएंगे और आके देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं फिर। और अभी जो है नमाज़ के लिए हम लोग चलते हैं, लेट ना हो जाऊँ मैं तो। अभी नमाज़ के लिए तुमने नहीं जाना? नहीं। चलो फिर हम लोग चलते हैं नमाज़ के लिए। A few inches later. So guys, अभी जो है यार नमाज पढ़ ली है मैंने, ठीक है, और अभी लेते हैं बॉल और बॉल लेके घर चलते हैं और खेलते हैं क्रिकेट। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है चाचा जी? बना रहे हो यार? हाँ जी। अच्छा वैसे चैनल बनाया हुआ यूट्यूब पे। अच्छा बॉल बताए ना कोई अच्छी, टेनिस की दिखाए ना। वो ऊपर है 100 रुपये सबसे अच्छी बॉल। ठीक है ये वाली दे दें, पर ये वाली निकाल दें। ठीक है इतना क्या हमने खेलना है, घुमा दे नहीं है जाके फिर हमें। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ यार बॉल लेके, लेकिन भाई चला गया पापा के साथ, तो अब क्रिकेट किस तरह खेलूँ मैं? तो ये है कि अब क्रिकेट खेलेंगे किसी दिन, और अभी जो है ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर यार ब्लॉग पसंद आया तो यार वीडियो को भी कर दें लाइक, और जो जो चैनल पर न्यू है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।